नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कहा कि एक तरफ किसान का परिवार खड़ा है तो दूसरी तरफ पूंजीपति का परिवार खड़ा है। अपनी इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपरोक्ष रूप से भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ अडानी अंबानी का नाम लेकर भाजपा पर भी पूंजीवादियों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ गांधी के हत्यारे गोंडसे को मानने वाले लोग हैं। उक्त बातें लालजी वर्मा ने जनपद में सपा केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कही। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। 1952 में अवैध जिस तरह का कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ थी, लेकिन 2067 में 10 प्रांतों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी और 1967 के बाद 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। आदरणीय श्री अटल जी की भी जब सरकार बनी 98 में, उसके बाद 2004 में जो कभी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि अटल जी की सरकार जाएगी, उसके बाद भी उसकी सरकार गई और कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए की सरकार बनी थी। 2009 में फिर वो आई, लेकिन 2014 में परिवर्तन हुआ और फिर 2014 के बाद 2024 में फिर से परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बात में आपको कहीं भी शंका करनी पड़ सकती। निश्चित रूप से एक तरफ किसान का परिवार खड़ा है, मजदूर का परिवार खड़ा है और एक तरफ पूंजीपति खड़ा है। दोनों के बीच में निर्णय करने का काम आपको करना। एक तरफ अडानी अंबानी का प्रतिनिधित्व खड़ा है और एक तरफ चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मैया और श्री मुलायम सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाला खड़ा है। फैसला आपको करना कि किसको आप चाहते। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को मानने वाला खड़ा है और एक तरफ देश वोट से वोट से का परिवार को मानने वाला, विचार को मानने वाला खड़ा है, जो गांधी का हत्यारा करने वाले परिवार के लोग खड़े। अगर ये गांधी जी को नहीं छोड़ सकते तो हमारे जैसे आप जैसे लोगों की क्या स्थिति है। लेकिन आप सभी लोगों के एकजुट होना है और एकजुट होकर इस बड़े लोगों को भी अडानी अंबानी और गोडसे के प्रतिनिधित्व को हमें धूल चटाने का काम करना है। ये आपसे निवेदन करना है। मैं एक साधारण किसान के परिवार का हूँ और ये परिवार सबसे बड़ा परिवार भारत में है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं बड़े परिवार का हूँ।